कृष्णा, सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम। और आज है मोहिनी एकादशी और ये मैं आज एकादशी पे ठाकुर जी, राधा रानी और गोपाल जी का श्रृंगार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कृष्णा जी के श्रृंगार की वीडियो ली है, क्योंकि राधा रानी का श्रृंगार मैंने बाद में किया था, उनको टाइम लगता है, और गोपाल जी को मैंने सुबह ही नहला धुला के तैयार कर दिया था, तो वो वीडियो मैं एक साथ डाल दूँगी। अभी कृष्णा जी की मैंने अलग से ही बनाई थी, तो मैंने बोला मैं पहले कृष्णा जी का श्रृंगार डाल देती हूँ। एकादशी के व्रत में डालना उसी दिन चाहती थी, पर डाल नहीं पाई, क्योंकि एक तो फास्ट सब ने रखा होता है, खाना वाना भी बनाना होता है घर पे, और ठाकुर जी का श्रृंगार, फिर उसके बाद अपना जप रहता है, और बस उसी वजह से मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। और मैं सुबह जल्दी उठ के ही बना ली थी वीडियो। ये कुछ इस टाइम पे जब मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार किया था, ये मैं वॉइस ओवर तो नेक्स्ट डे द्वादशी पे कर रही हूँ आज, और ये कल का वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने जब श्रृंगार करना चाहा था, मेरी तबीयत 2-3 दिन ठीक नहीं थी, और मैंने ये 18 को ड्रेस सिला, एक कॉटन का कपड़ा पड़ा था, ड्रेस नया नहीं था। मेरा कैसा रहता है कि सब पुराने रिपीट हो चुके हैं, तो अभी ठाकुर जी को नया ही पहनाने का मन करता है। चलो एटलीस्ट हफ्ते में नहीं तो एकाच्छी 15 दिन में तो ठाकुर जी का श्रृंगार चेंज होना ही चाहिए। तो ये कॉटन का एक मेरे पास कपड़ा पड़ा था, उसी पे मैंने लेस वेस लगा के ड्रेस तैयार किया। बिल्कुल पतला स्मूथ सा कॉटन था। ठाकुर जी को तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल ही तैयार किया, राधा रानी को थोड़ा मैंने लाइनिंग लगा दी थी, क्योंकि लहंगा थोड़ा पतला होता है। बस मैं ये चाहती थी कि एक तो उनको गर्मी भी ना लगे और हल्का कपड़ा हो, और मेरे से कॉटन के कपड़े की ड्रेस जल्दी सिल जाती है, मैं जल्दी ही सिल लेती हूँ उसको, क्योंकि मेरी कॉटन पे प्रैक्टिस अच्छी है और कपड़ों पे नहीं है। और अभी क्या था कि मेरे पास जो कपड़े हैं सारे बहुत सीक्वेंस वाले और वैसे हैं, जो अभी 2 महीने की जो गर्मी है ना, इसके बाद जो थोड़ा थोड़ा हल्का मौसम चेंज होगा वो उनमें पहनाने लायक है। बहुत भरपूर अभी गर्मी है, 45-46 टेम्परेचर हो रहा है, तो उस टेम्परेचर में मेरे को ठाकुर जी को मतलब उतना मोटे मोटे कपड़े ही सीक्वेंस वाले हैवी पहनाने का मन नहीं था। ये हल्की फुल्की नेट की मैंने कमर काचनी मजेंटा मैच करके और दुपट्टा, बस यहाँ तक जब श्रृंगार किया ठाकुर जी बहुत अच्छे लग रहे थे। और जैसे जैसे मैंने, मेरे को पता नहीं था वो पगड़ी का कलर एकदम से इतना निखर के आया, उनका नियॉन कलर का ग्रीन जब मैंने डाला उनकी पगड़ी के अंदर, तो बहुत सुंदर लगा। पगड़ी की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने काफ़ी ट्राई किया, वीडियो बनाती गई पर वो पगड़ी मुझसे नहीं बंधी। जैसे ही मैंने वीडियो बनानी बंद की, पगड़ी 1 मिनट में बन गई, छोटी वाली पगड़ी। मेरे को उतने अच्छे से नहीं आती है बनानी, पहनानी ठाकुर जी को, तो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा था। और कैसा था कि मंदिर से ठाकुर जी बाहर थे, अंदर एसी में टेबल पे रखे हुए थे, क्योंकि उनके मंदिर का कुछ काम चल रहा था, उनमें सीढ़ियाँ पक्की वाली बना रही थी मैं, क्योंकि मैंने गत्ते के ऊपर उनको बिठाया हुआ था, तो बस उनका मंदिर का काम भी चल रहा था। तो मैंने बोला कि आज द्वादशी है, आज थोड़ा एक दिन व्रत रखती हूँ तो नेक्स्ट डे थोड़ी वीकनेस भी हो जाती है मुझे, तो आज पूरा दिन मतलब मेरा द्वादशी का दिन था, जो ऐसा आधा तो ऐसे ही जप वगैरह में बीत गया। और अभी मेरे को था कि मैं चलो वॉइस ओवर करके डाल देती हूँ, यहाँ ठाकुर जी बहुत 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 सुंदर लग रहे हैं, और आप भी दर्शन कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको श्रृंगार कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। हरे कृष्णा।